الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من أهل الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. معزز سامعين واجب الاحترام بزرگوں प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा इस्लाम तहिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत और सिर्फ अल्लाह के लिए नफरत। अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में इरशाद फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये अल्लाह सुबहाना ताला का फ़ज़ल है और उसका करम है। ईमानी रिश्ते से अल्लाह ने हमारे दरमियान जो मोहब्बत का बीज डाला है, जो रिश्ता कायम किया है, हम अगर दुनिया व माफिया के तमाम ख़जानों को लुटा दें ये हमसे मुमकिन नहीं। चुनांचे अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आपस में भाई भाई बनाया है। चुनांचे माज़र सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावत अल ईमान। तीन सिफात जिसमें होंगी वो ईमान की मिठास को महसूस करेगा, ईमान की मिठास को वो महसूस करेगा। यानी हर चीज़ का एक मज़ा होता है, मिठास होती है, इसी तरीके से ईमान की मिठास एक अलग चीज़ होती है। ये उसी को तजुर्बे में आएगी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर अमल करता है। चुनांचे तीन चीज़ें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अगर इन तीन चीज़ों को हमने अपना लिया तो समझिए कि ईमान की मिठास का अंदाज़ा हमें हो जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज़ अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैही, कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब होना चाहिए। दुनिया की तमाम चीज़ों से, आल हो, औलाद हो, पैसा हो, जायदाद हो, सारी चीज़ों से बढ़कर इंसान किससे मोहब्बत करना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर ये मकाम को आप पहुंच गए समझिए कि ईमान की मिठास आपको दस्तियाब हो गई। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी आदमी किसी भी आदमी को सिर्फ अल्लाह सुबहानहु तआला के लिए मोहब्बत करे, कोई भी आदमी किसी भी आदमी से सिर्फ अल्लाह सुबहानहु तआला के लिए मोहब्बत करे, कोई ज़ाती मफाद ना हो, दुनियावी मफाद ना हो, कोई जो है गर्ज उससे ना हो, सिर्फ वाहिद वजह ये हो कि अल्लाह सुबहानहु तआला राज़ी हो जाए, अल्लाह सुबहानहु तआला की खुशनुदी हासिल हो जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो ईमान की मिठास हमें नसीब होगी। और उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमें कुफ्र के तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाया है। तो एक बार हमने कुफ्र को छोड़ा है और ईमान की तरफ आए हैं, यानी ईमान की तरफ से फिर कुफ्र की तरफ जाना हमारे लिए उतना ही नागवार होना चाहिए जितना कि हमें आग में दाखिल होना। अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भड़कती सुलगती हुई आग में आप दाखिल हो जाएं तो आपको कितना नापसंद लगेगा, ऐसा ही हमें जो है ईमान के बाद कुफ्र में लौटना ऐसा ही महसूस होना चाहिए। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुशिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिक्ता, और आप तारीख पूरी उठाकर देखें कि जो सालेहीन हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, जिनमें जो है दूध पिलाती बच्चे की माँ भी आपको नजर आती है कि अल्लाह सुबहाना तआला के लिए जलने के लिए वो तैयार हो गए लेकिन शिर्क करने के लिए उन्होंने गवारा नहीं किया। चुनांचे इस मकाम पर आदमी जब पहुंच जाता है तो ईमान की मिठास उसको महसूस होती है। ये पहली चीज़ है जिसमें तीन चीज़ों में एक चीज़ इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये कि हम जिससे भी मोहब्बत करें वो किसके लिए करें, हमारी मोहब्बत खालिस और खालिस अल्लाह सुबहानहु तआला के लिए होनी चाहिए। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात खुश नसीबों का जिक्र फरमाया, सात
खुश नसीबों का जिक्र फरमाया, फरमाया सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाह फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्ल। कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह सुबहाना हो ताला के अर्श के साए, सिवाय अल्लाह सुबहाना हो ताला के अर्श के साए के, ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक घड़ी में अल्लाह सुबहाना हो ताला सात खुश नसीबों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ पसंद इमाम और वो नौजवान जिसकी नौजवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, और वो शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लटका रहता है यानी नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतज़ार में वो होता है। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी ये सिर्फ अल्लाह सुबहाना हो ताला की रजामंदी की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक कहीं जमा भी होते हैं तो अल्लाह सुबहाना हो ताला की मोहब्बत में जमा होते हैं, और अलग भी होते हैं तो अल्लाह सुबहाना हो ताला की मोहब्बत में ही ये अलग होते हैं। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, आज का हमारा यहाँ जमा होना किसके लिए है? अल्लाह सुबहाना हो ताला के लिए है। हम क्यों जमा हुए हैं? इसलिए कि हम एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा इरादा यही होगा कि कहीं और मजलिस हो जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही हो, हम जाएँ वहाँ शरीक हो। चुनांचे हमारा जुदा होना भी क्या है? अल्लाह सुबहाना हो ताला के लिए है। चुनांचे आप अपनी इस नियत में मुखलिस हैं तो आपको खुशखबरी है कि आप भी इन खुश नसीबों में से शामिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसको एक साहिब नसब और खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए दावत दिया लेकिन उसने कहा मैं अल्लाह सुबहाना हो ताला से डरता हूँ, उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो भी आदमी इसमें शामिल है जिसने सदका इतने खुफिया तरीके से किया, सदका इतने खुफिया तरीके से किया कि उसके दाएं हाथ ने क्या सदका किया है उसके बाएं हाथ तक को जो है खबर नहीं, इतने खुफिया तरीके से उसने सदका किया। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स भी है जो अकेले में तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा था, जिक्र करते करते उसको अपने गुनाह याद आ गए और अपने करतूत उसको याद आ गए, अल्लाह का खौफ उसके दिल में बैठ गया और जारो खितार जो है उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये सात खुश नसीबों के ताल्लुक से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अल्लाह सुबहाना ताला अपने अर्श का साया देंगे। जिनमें से दो शख्स कौन हैं? वो हैं जिन्होंने सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला की एक दूसरे से मोहब्बत की और अल्लाह की मोहब्बत में जमा हुए और अल्लाह की मोहब्बत में जुदा भी हुए। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हज़रत अबू अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह, एक शख्स है जो एक कौम से मोहब्बत करता है, एक कौम से, एक ग्रोह से मोहब्बत करता है लेकिन वो उनमें नहीं है। हो सकता है मकान की दूरी हो या जबान की, जमाने की दूरी हो, कुछ भी, वक्त की दूरी हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं मोहब्बत तो करता है लेकिन उनमें से वो नहीं है, तो फिर उसका मामला क्या है, उसके ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका हशर उन्हीं लोगों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मतस्सा, कयामत कब खड़ी होगी, कब आएगी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है आप क़यामत का सवाल करते हो तो फिर उस क़यामत के लिए तुमने तैयारी क्या कर रखी है? तो उन्होंने कहा कि मैं फ़राइज़, दीगर जो भी अल्लाह सुबहानहु तआला के अवामिर और नवाही है उन सारी चीज़ों को बजा लाते हुए, नवाही से बचते हुए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इसके अलावा जायद अगर चीज़ मेरे पास है वो है कि मैं अल्लाह सुबहाना हो ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह सुबहाना हो ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब, के आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ उसका हश्र होगा। चुनांचे अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त के उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इतनी खुशी हमें हुई थी
कि उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। चुनांचे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत कर रहा हूँ। कौन बता रहे हैं? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम उनके ज़माने में नहीं हैं, बाद के ज़माने की हम, लेकिन हमारी जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, सहाबा से है, दीगर हमारे सलफ़ सालिहीन से है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुबहानहु तआला उन नेक लोगों के साथ हमारा हश्र फरमा देंगे। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहाँ एक दूसरे की मोहब्बत को बढ़ाने वाली कुछ चीज़ें जो है आप हजरात के हवाले करके मैं आगे बढ़ता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो शख्स दूसरे शख्स के साथ बहुत ही ज़्यादा माइल है, यानी उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी सनाखानी बयान कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, जी हाँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया कि कभी बताया भी है कि नहीं, यानी तुम्हारी जो मोहब्बत का इजहार कभी किया है कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने बताया नहीं है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उन्हें बताओ, जाओ उन्हें बताओ। जब वो गए और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, उहिब्बुका फिल्लाह, ये बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, ये आप हर आदमी से कहिए, आप हर आदमी से, आपकी बीवी से आप कह सकते हैं, बेटे से कह सकते हैं, दोस्त से कह सकते हैं, आपके कोलीग से कह सकते हैं, कोई आपके साथ में काम करने वाला रूममेट्स है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई, आप उनसे जाकर कहें कि मैं अल्लाह के लिए, दिल से कहें, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। और दुआ है यहाँ, जब हम ये कहेंगे उहिब्बुका फिल्लाह, तो अगर कोई हमसे कह रहा है तो वहाँ उसको भी हमें दुआ देनी है, वो ये है, अहब्बकल्लाहुल्लज़ी अहबबतनी लहू, यानी जिस ज़ात के लिए तूने मुझे मोहब्बत की है, वो ज़ात तुझे भी मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात है। देखिए चुनांचे मुअज्ज़ज़ सामईन, ये हमारे आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का एक जरिया है कि हमारे मोहब्बत का इजहार हम अपने भाई से करें। नफरत का तो करते ही हैं लोग, तो हमें नफरतें बांटना नहीं है, हमें जो भी बांटना है, फैलाना है, वो क्या है? मोहब्बत को फैलाना है। चुनांचे मुअज्ज़ज़ सामईन, इसको ज़हन नशीन करें। दूसरी जो चीज़ है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन ना बनो। ईमान शर्त है जन्नत की, और मोहब्बत शर्त है ईमान की। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी बात तुम्हें ना बताऊं जिसके कहने से तुम्हारी आपस की मोहब्बत बढ़ेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफशु सलाम बैनकुम, सलाम को आप बिल्कुल जो है आम कर लो, हर पहचानने वाले ना पहचानने वालों को आप सलाम करो। और सलाम करते वक्त याद रखिए कि आदमी गुस्से की शक्ल हमारी देखना नहीं चाहता, नाराजगी की शक्ल हमारे देखना नहीं चाहता, आदमी चाहता है कि हम मुस्कुराएं। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। चुनांचे सलाम आप जब कहेंगे, किसी से मिलेंगे, आप मुस्कुरा कर सलाम करें, तो यकीनन ये बहुत ही बड़ा जरिया होगा आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोहब्बत को बढ़ाना है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा दिया, कहा तहादू तहाबू, कि आप वक्तन फवक्तन एक दूसरे को हदिया दिया करो। हदिया कुछ भी हो सकता है, छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कोई स्वीट हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, आप सालन हो सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आप हदिये के तौर पर भेजें। इससे क्या होती है, मोहब्बत बढ़ती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदिये आपस में एक दूसरे को देना है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, एक दूसरे को देना है, और इससे क्या है, मोहब्बत बढ़ती है। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह सुबहाना हो तआला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो उनको लोगों का महबूब, उस बंदे को लोगों का महबूब बना देते हैं, यानी लोगों की नज़र में भी वो बंदा महबूब हो जाता है। चुनांचे उन्होंने कहा, तुम्हें देखना है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं, तुमको ये देखना है कि लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। चुनांचे मुअज्ज़ज़ सामईन, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफ़रत जो है, यही हमारे नजात का सबब है। चुनांचे मुअज्ज़ज़ सामईन, आपस की कदूरतों को, आपस की जो अपनी मफाद से जुड़ी हुई नफ़रतें हैं, इन दीवारों को मिटा कर हमें
मोहब्बत की जो है रिश्ता कायम करना चाहिए और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत को कायम रखे और वो मिसाल को जो है अल्लाह सुबहान तआला सही साबित करे जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक मोमिन के लिए क्या है, मजबूत दीवार के मिसल है, जैसा दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। सुनाचे माज़द सामईन, हम एक जिस्म के मानिंद हैं, हमारे जिस्म में से कोई भी अजू को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म तिलमिला उठता है, हमारे अंदर भी इस किस्म का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह सुबहाना हो तला ऐसा ही जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए। आमीन वज़ाकुमुल्लाह खैरन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत ही आसान सवाल मैं बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहब्बत आपस में बढ़े तो हमें क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए? हाथ उठाएं। जज़ाकअल्लाह खैर, हदिया आपके लिए। सुभान अल्लाह।